हरिद्वार में नमामि नर्मदा संघ के द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों को देवभूमि के पहाड़ों से लेकर मैदान तक स्वच्छ करने क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्य में नमामि नर्मदा संघ का नमामि गंगे नमामि यमुना संघ भी सहयोग कर रहे हैं। इसी के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें भाजपा के स्थानीय विधायक मदन कौशिक सहित कई बड़े संत भी हरिद्वार की हर की पौड़ी पहुंचेंगे और वहां पर लोगों से गंगा को स्वच्छ रखने की अपील भी करेंगे। हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर की रिपोर्ट। हमारा जो नमामि नर्मदा संघ की हमने जो स्थापना की है वो नमामि गंगे को देखते हुए हमने की है और इसकी शुरुआत हमने नर्मदा के तट पे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही हमने सेवा सप्ताह के रूप में स्वच्छता अभियान को साथ में लेते हुए इसकी स्थापना की है। तो जब नमामि गंगा काम कर रही है तभी हमें भी कुछ करने की प्रेरणा मिली कि हम कार्य करें और अपने एक टीम बनाएं और समय समय पे जहां नमामि गंगे के साथ खड़ा होना है क्या करना है उनके साथ इस समन्वय बना के चलें और खुद भी हमारी टीम कार्य करते रहे। गंगा आरती भंडारा और प्लस जो है माता को माँ गंगा को चुनरी उड़ाई जाएगी ये कार्यक्रम है। इसमें जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्टेटों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि गंगा की स्वच्छता और सफाई के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। हम गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें भी अभी तक तो जो पहले सिर्फ हम गंगा जी की बात कर रहे थे अब हम उनके सहयोगी नदियों की बात कर रहे हैं। आप चाहे खड़खड़ी की नदी की बात करें, मैं सिर्फ अगर ऋषिकेश की बात करूं वहाँ रंभा जी हैं जिसका केदारखंड के हमारे स्कंद पुराण के केदारखंड में उसका जिक्र आता है लेकिन वो नदी जो आज नाले का रूप ले चुकी है उस पर नमामि गंगे काम कर रहा है लेकिन वहाँ के स्थानियों को भी उसके बारे में जन जागरूकता के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सरस्वती नदी है, चंद्रभागा नदी है, सामाजिक सहयोग के बिना कोई भी कार्य योजना सफल नहीं हो सकती, इसलिए हमें मैदान में उतरना पड़ रहा है।